मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आज हमारा अगस्त का महीना चालू हो गया, क्यों भी अगस्त का महीना चालू हो गया हमारा, और आज पहली तारीख अगस्त की, और बज रहे हैं सुबह के 10:30। और क्योंकि आज अगस्त का महीना चालू हुआ तो हमारे जो है एक मित्र है भाई साहब, वो जो हैं वो गए हैं, कल 31 जुलाई थी, तो वो भाई साहब कल जैसे कहते हैं वो हो गया उनका, क्या हो गया उनका, हो गया सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन क्या होता है, जैसे कहते हैं सेवानिवृत्त, हिंदी में कहते हैं। तो हमने कहा चलो यार उनसे मिलाते हैं, आज उनका पहला दिन है रिटायरमेंट के बाद का, तो उनको थोड़ा हंसी मजाक कराते हैं, उनसे मस्ती कराते हैं, और अपनी हौसला अफजाई कराते हैं उनके साथ, उनकी बेगम को मिलाते हैं। वो हमारे जैसे कहते हैं एक स्ट्रिक्ट जैन डिसिप्लिनेरियन है, स्ट्रिक्ट जैन डिसिप्लिनेरियन। तो वो जो है कहीं किसी के यहाँ बाहर खाते वाते नहीं है, कुछ आना जाना उनका नहीं, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं अपने रिलीजन को। तो हमने कहा कि वो हमारे यहाँ कितना खाएंगे नहीं खाएंगे हमें पता नहीं है, तो हम ही चलते हैं उनके यहाँ, उनको मिल के आते हैं इसी बहाने, और फिर आगे उनके साथ मस्ती करेंगे ज़िंदगी में, लाइफ में। तो अब हम निकल रहे हैं, बेबी सिंह तैयार हो रही है, तो हम निकलते हैं। ये जो पौधे हमने लगाए थे देखिए अभी चले हुए हैं, नीम चल रहा है, नींबू लगा है इधर, कोई पता नहीं थोड़ा फोड़ा करके अपना अपना तुलसी भी छोड़ गया है, चलो कोई नहीं, एक वो गुलाब लगा हुआ है, और एलोवेरा भी चल रहा है हमारा ठीक ठाक, थोड़ा सा लोग अभी भी कभी कभी अपनी छोटे मोटे कर देते हैं। तो जी हम तो आके बैठ गए गाड़ी में, और बेगम साहिबा अच्छा आ रही आ रही आ रही, चलिए आ रही, गुड 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 गुड, चलिए। हमारे मित्र जी ने अपना घर जो लिया है बिल्कुल, क्योंकि वो जैन साहब हैं, तो ये है हमारा बहुत फेमस एक जैन मंदिर है, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर। तो ये एकदम इसके एकदम ऑपोजिट है, हम रोड के इधर में ये मंदिर है, और रोड के इधर में इनकी ये सोसाइटी है यहाँ पे। तो ये भाई साहब यहाँ रह रहे हैं, इनको खाली इसी का प्रेम था जो इनको यहाँ खींच लाया, और इनकी बेगम को। तो अब हम लोग पहुँच गए इनकी सोसाइटी में, अब हम पूछते हैं गार्ड साहब कहाँ हमारी पार्किंग करवाएंगे। तो लो जी सिक्योरिटी एंट्री हो गई हमारी, है ना, और मकान इनका ये वाला है, क्यों ये वाला है कि अगला वाला है, पर हम भी भूल गए, इनका आगे वाला कि ये वाला है, मेरे ख्याल से यही वाला है। देखिए ये जैन वाला इन्होंने लगा रखा है, और भाभी यहाँ कपड़े डाल रही हैं, इनको कोई काम नहीं, भाभी को कर दिया नमस्ते हमने यहीं से। दरवाजा खोल दो, घंटी बजाएंगे नहीं अब हम। आपने एकदम मस्त वाली चाय पीएंगे, फीकी एकदम। अरे बाप रे बाप, क्या बात है, ये मत दिखाओ अपनी चीजें यार, ये अभी डाल देंगे पूरे में। ये देखिए भाभी, आप इनको पूरा इस्तेमाल कीजिए, जैसे घर में कोई एक फ्रीक आदमी मिल जाता है जिसको कोई काम नहीं हो। मेरी ऐसी तैसी क्यों है भाई, ऐसी तैसी क्यों नहीं करें, आपका अब आपका राज नहीं है, अब खत्म आपका राज। देखिए ये इतनी अच्छी खबर इन्होंने हमको जो सुनाई है, उसके लिए ऐसे तो काम चलेगा नहीं, बिल्कुल। हाँ हमें तो बिल्कुल पार्टी चाहिए, वरना वैसे तो हम आपको अपने घर बुलाते हैं पार्टी के लिए, लेकिन अब हम क्या करें, आपका तो हमें पता नहीं ना जलवा आपका क्या है, आपका जलवा हमें पता नहीं है, आप हम आपको बुलाएं कैसे, कि आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। कितनी अच्छी फोटो आ रही है, मियाँ बीवी कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखिए, और देखिए रिटायर होने के बाद ये और जवान हो गए, और भाभी और खूबसूरत हो गई है। हम 1990 में पहुँच गए, 1990 में हमें कुछ काम और भी है, चक्कर ये तो फिर आपसे जरूर आते हैं। अरे वाह, चश्मा वश्मा लगा के चमा चम हो गई भाई साहब, हैं जैन साहब के घर से निकले भी हम लोग तुरंत, अब मैं चलो वापस चले। तो अब हमारा काम हो गया, अब हम चलते हैं उधर, क्या कहते हैं 100 जहां अपना काम था 110 में, है ना, वो काम कर लेते पहले। तो जी हमारा हो गया है खाना, और हम आ गए हैं सो सा के अपने कमरे से, शाम के पौने 5, और बेबी सिंह लगी हुई है रसोई में, वनीत खाना बना रही है। तो भाई चाय का क्या हाल है, बन रही है,
गुड, चाय बनाइए फिर, चाय पिया जाए फिर देखते हैं आगे का कार्यक्रम क्या होता है। सिंह चाय आ गई। तो मैं ये पूछ रहा था कि टमाटर कितने डालने चाहे उसमें सब्जी में, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आजकल। छह टमाटर लाता है आदमी, जैसे हम लोग आजकल बोल रहे हैं सेब या अंडे या ये अनानास लाता है, तो आदमी सोचता है कितना काटूं, आज काटूं नहीं काटूं, है वही हाल हो गया टमाटरों का कि एक डालूं कि आधा डालूं कि दो डालूं क्या डालूं, ये हालत हो गई टमाटरों की। बाप रे बाप, माय गॉड, कितना 240 रुपये किलो ना, 240, बताओ 3 दिन पहले 160 और कल परसों लेके आए 240 रुपये, माय गॉड। 7:45 बज गए हैं जी और हमारे तो बच्चे चले गए छत पे और अभी हो गया अंधेरा, अंधेरा तो नहीं हुआ, हल्का हल्का हुआ है। हम लगे हुए हैं अपने व्लॉग में, एडिटिंग में। देखें जरा बेबी सिंह क्या कर रही है हमारी। लगता है कि शायद ये शाम वाली जो पूजा होती है, हो सकता है ये उसमें लगी हुई हो। हाँ यही है, वही उसी में लगी हुई है, उसी में लगी हुई है, उसी में लगी हुई है। चलो ठीक है, ये पूजा कर रही है, हम चलते हैं। बाहर का माहौल ऐसा है, शाम का 7:45, अभी तो काफ़ी रोशनी है यार, अभी तो वो वाला दिन नहीं आया जब 7 बजे अंधेरा जाता है। चलिए हम अपना काम कर लेते हैं। एक बात आपसे शेयर करते हैं, देखिए हमने जो अपना ये टेस्ट करवाया था तो उसमें हमारा विटामिन डी निकला कम, 30 होना चाहिए, 30 इज़ मिनिमम, उसके ऊपर होना चाहिए, तो 30 के आसपास निकला। तो हम वही ऑब्जर्व कर रहे थे कि हफ्ता 10 दिन से टांग में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी मसल में दर्द, कभी इधर में दर्द, कभी उधर में दर्द, लेजीनेस, फलाना ढकाना, मतलब क्या हो गया यार, अब ढीले हो गया लगता है, कुछ काम हम नहीं करते। तो जब जैसे ही अब ये विटामिन डी खाने शुरू की, दो डोज हुए हैं इसके एक हफ्ते 10-8 दिन में, काफ़ी टच वुड काफ़ी बेटर लग रहा है। तो ये इसलिए हम आपसे भी कह रहे हैं कि आप लोग भी अपना विटामिन डी और विटामिन B12 ज़रूर चेक कराइए, 6-6 महीने 8-8 महीने में चेक करा लिया कीजिए, क्योंकि विटामिन डी मेक्स यू लेथार्जिक, बॉडी वीक, कमज़ोर, मसल पेन, बॉडी पेन, हड्डी पेन, ये पेन वो पेन, तो वो ठीक नहीं है। तो वो ज़रूर करा लीजिए आप लोगों ने अगर ना कराया हो। और ये नहीं है कि ये उम्र के लोगों के लिए है, दिस इज़ फॉर एवरीबडी। क्या भाई है भाई, विटामिन डी सबको कराना चाहिए ना। अब तुम्हें तो कराया नहीं, तू कब करा रही है? नेक्स्ट मंथ। चलो ठीक है, इनका नेक्स्ट मंथ ड्यू है तो नेक्स्ट मंथ कराएंगे, मैंने तो करा लिया। तो भैया आप लोग भी, बच्चे हों चाहे कोई हो, अपना विटामिन डी जरूर चेक कराइए और विटामिन बी कर दिए, दो आइटम चेक कर लीजिए फटाफट। तो जी टाइम हो गया है 9:15 और खाना हमारा हो चुका है और खाना खा के लोग जा चुके हैं अपने अपने कमरे में और हम भी सोच रहे हैं कि चला जाए, विश्राम किया जाए। सोते सोते जो है 9:30-9:45 हो जाते हैं। तो इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा, लेकिन इसके पहले आप सुनिए, एक टीचर थी, एक टीचर स्कूल में पढ़ा रही थी, तो पढ़ाते पढ़ाते जो है उसने बताया, बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ ताजमहल जो है वो कहाँ पे है। बच्चों ने कहा मैडम आगरा में। तो टीचर ने कहा नहीं, तुम लोग तो गलत बोल रहे हो, आज ताजमहल जो है वो गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद? बच्चे चुप हो गए, घर गए, घर जाके उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया कि आज हमको टीचर ने पूछा था तो हमने बताया कि ताजमहल आगरा में है। तो मैडम ने कहा नहीं वो तो गाज़ियाबाद में। पेरेंट्स ने कहा अरे ये कैसे हो गया। तो जी सारे पेरेंट्स टकाटक नेक्स्ट डे जो है पहुँच गया स्कूल में प्रिंसिपल के पास, कंप्लेंट की उन्होंने। उन्होंने कहा प्रिंसिपल साहब आपकी टीचर तो गलत सलत पढ़ा रही है। बोले क्या हो गया? बोले टीचर आपकी बोल रही है कि ताजमहल जो है वो गाज़ियाबाद में है। तो प्रिंसिपल बोला कि अच्छा, तो ऐसा करो पहले तो आप लोग सब फीस जमा कराओ, बच्चों की फीस जमा कराओ। और मैं 6 महीने से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि भैया आप लोग स्कूल आइए, एक भी आदमी नहीं आया। तो आप लोग सब कान खोल के सुन लो कि जब तक फीस जमा नहीं हो जाएगी तब तक ताजमहल गाज़ियाबाद में रहेगा, आगरा नहीं आएगा।
इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, और हमको सब्सक्राइब जरूर करिए। गुड नाइट।